शिबेरियम के लॉन्च होते ही हमें सबसे बुरी न्यूज़ यही मिली कि शिबेरियम लॉन्च होते ही डाउन हो गया, यानी कि शिबेरियम काम करना बंद कर गया था। लेकिन अभी धीरे धीरे सब कुछ वापस वर्किंग स्टेज में पहुंच चुका है, यानी कि शिबेरियम अब काम करना शुरू भी कर चुका है। अगर आप chain.shibrpc.com के ऊपर जाते हैं तो आप इसकी चेन को एक्सेस भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बहुत सारी नई अपडेट्स आई हैं शिबेरियम को लेकर, शिबा इनू को लेकर। तो अगर आप बहुत ज़्यादा बेरिश हो चुके थे कि आपने शिबा इनू बाय तो कर लिया लेकिन इसमें कोई नया अपडेट नहीं आ रहा या फिर इसके प्राइस में कोई अच्छा मूव नहीं आ रहा, तो आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है। वापस शिब अपनी फिर से वही रैली लेने वाला है। तो एक्चुअल में क्या है कि मार्केट में जो BTC है वो 25,000-26,000 डॉलर के आसपास चल रहा है, जिसकी वजह से वैसे भी सारे ऑल्टकॉइंस परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ जो भी चल रहा है ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म के लिए ही चल रहा है, यानी कि मार्केट नीचे तो आई है लेकिन बहुत ही जल्द ये रिकवर भी होने वाली है। लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले शिबा इनू के बारे में और शिबेरियम के बारे में, क्योंकि इसकी नई अपडेट्स आई हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं और आपको डिटेल में बताने वाला हूं आसान भाषा में कि आखिर इसका चल क्या रहा है। तो वीडियो अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी हमेशा पहुंचते रहें। बाकी अपडेट्स मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर देता रहता हूं, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे हम सारी अपडेट सबसे पहले डालते रहते हैं। जैसे कि आपको एक एनालिसिस दिया था कि शिबा इनू का प्राइस $1 तक पहुंचने वाला है, लेकिन यहाँ पे टाइम भी दिया गया है कि 5 से लेकर 10 साल के अंदर ये पहुंचेगा। और ये जो प्रिडिक्शन दी गई है ये AI के द्वारा दी गई है कि ये सब कुछ पॉसिबल है। अगर बहुत लोग सोचते हैं कि शायद $1 शिबा इनू का पहुंचना पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। $600 ट्रिलियन तक का मार्केट कैप आने वाले समय के अंदर शिबा इनू को पहुंचने वाला है। तो हम जानते हैं कि करंट जो मार्केट कैप चल रहा है ओवरऑल क्रिप्टोकरेंसी का, वो शायद $1 ट्रिलियन के आसपास भी नहीं है। लेकिन आज की मार्केट और आने वाले समय की मार्केट बहुत ही डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में Web3 को, मेटावर्स, NFTs, क्रिप्टोकरेंसी, इन सबको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। बहुत लोग जो अभी तक सारी सेंट्रलाइज सर्विसेज यूज कर रहे हैं या फिर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, वो धीरे धीरे क्रिप्टोकरेंसी की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट जो है शिबेरियम के बारे में, आपने देखा होगा कि शिबेरियम जैसी लॉन्च हुआ इसके ऊपर ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा होने की वजह से, ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से शिबेरियम एकदम से डाउन हो चुका था और इसकी वेबसाइट बिल्कुल भी एक्सेसिबल नहीं थी, shibarium.shib.io। लेकिन अभी ये थोड़ी बहुत एक्सेसिबल हो चुकी है। इसी के साथ जो chain.shibrpc.com है ये भी एक्सेसिबल नहीं थी, जो कि इसकी मेन वेबसाइट है। अब ये वेबसाइट वापस खुलनी शुरू हो चुकी है। शिब का मेन नेट यहाँ पर अवेलेबल है, शिब का टेस्ट नेट भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर आपने मेटामास्क अपने ब्राउजर के ऊपर इंस्टॉल किया हुआ है या फिर अगर आप ये खोलते हो मेटामास्क के ऊपर, तो आप बहुत ही इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसका एक्सप्लोरर है shibarium.scan.io। तो जब भी किसी भी ब्लॉकचेन का अपना जब एक्सप्लोरर सामने आ जाता है, उसका एक्सप्लोरर जब एक्सेसिबल हो जाता है, तो वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, यानी कि आप ट्रांजेक्शन्स को खुद चेक कर सकते हैं, आप वॉलेट्स को स्कैन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्लॉक टाइम दिया गया है 5 सेकंड का है एवरेज। टोटल ट्रांजेक्शन्स यहाँ जैसे कि बढ़ती जा रही हैं, 1,48,000 के आसपास पहुँच चुके हैं, टोटल ब्लॉक्स 2,86,000 के आसपास पहुँच चुके हैं, वॉलेट एड्रेस कितने हैं 51,000 के आसपास, 51,000 के आसपास यहाँ चल रहे हैं। तो हर एक डिटेल यहाँ पे बहुत ही ट्रांसपेरेंटली दिखाई जा रही है। shibarium.scan.io के ऊपर अगर आप जाते हो तो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने वाला है। और वैसे भी 2 दिन पहले इन्होंने एक नया ब्लॉग डाला था कि जो शिबेरियम स्केलिंग अपडेट 4 के नाम से था, इसके ऊपर बताया गया कि शिबेरियम जो है वो अभी रेडी है और भी ज़्यादा एनहेंस कर दिया गया, ऑप्टिमाइज कर दिया गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक्स को भी यहाँ पे बनाया जा सके और जितने भी पहले फेलियर्स हो रहे थे वो सारे के सारे यहाँ पे अभी बिल्कुल सही कर दिए गए। तो जितने भी वैलिडेटर से पहले वैलिडेटर जो बनना चाह रहे थे वो अब वापस से वैलिडेटर्स बन सकते हैं, वो अभी लाइव जा सकते हैं। यही कारण है कि शिबा इनू कई सारे एक्सचेंजेस के ऊपर भी, अगर सोशल मीडिया की भी बात करें, तो वहाँ पे हमेशा ट्रेंडिंग में रहे, टॉप पॉइंट्स में से एक रहे। और शिबेरियम को आप अभी डेक्स टूल्स के ऊपर भी एक्सेस कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेक्स टूल्स ने क्या अनाउंस किया, इन्होंने कहा कि नई ब्लॉकचेन को ऐड कर दिया गया, यानी कि शिबेरियम को ऐड कर दिया गया। तो जितने भी शिबेरियम बेस्ड टोकन्स रहने वाले उन सभी को आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने खोला हुआ है dextools.io, इसके ऊपर हर एक चीज़ दी गई है कि यहाँ पे अगर हम शिबेरियम के जितने भी टोकन्स देखते हैं, शिबोशी है, डॉज है, जैसे कि वूफ है, यहाँ पे सारे कॉइन्स अवेलेबल हैं जो कि शिबेरियम के ऊपर हैं। अब इससे भी बड़ा जो अपडेट आया, वो अपडेट आया कि जो gecko-terminal.com है इसके ऊपर शिबेरियम के सारे पूल्स ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके ऊपर आप देख सकते हैं सारे के सारे पेयर्स दिए गए पूल्स के, जैसे कि W बोन्स के साथ है, रैप्ड बोन्स के साथ है, बीशिब है, पेपे है, शिबोशी, SBX है, रियोशी, बीनू, तो कई सारे यहाँ पे पेयर्स आ चुके हैं, पूल्स आ चुके हैं, तो आप इनको एक्सेस यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो शिबेरियम जरूरी नहीं है कि आपको किसी और वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा, शिबेरियम की वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा, आप इनको गेको टर्मिनल जैसी वेबसाइट्स के ऊपर भी एक्सेस ईजिली कर पाओगे। तो ये मेन अपडेट्स हैं, ये बहुत ही बड़ी अपडेट्स हैं। आप देख सकते हैं कि शिब मेननेट, शिब टेस्टनेट, इन दोनों को आप एक्सेस कर सकते हैं
chain.shiprpc.com के ऊपर अगर आप जाते हो तो इनको आप इजिली मेटामास्क के ऊपर एक्सेस कर पाएंगे। और उससे भी बड़ी अपडेट जो है वो है shibarium scan.io, जिसके ऊपर आप ट्रांजेक्शन को, वॉलेट्स को स्कैन कर सकते हैं, जैसे कि BSC स्कैन होता है, ट्रॉन स्कैन होता है, ईथर स्कैन है। तो इस तरीके के जो अलग अलग स्कैन्स होते हैं उनके ऊपर हम वॉलेट्स को स्कैन कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर सकते हैं, पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है। तो अब शिबेरियम के जो एड्रेसेस रहने वाले हैं उनको आप इजिली स्कैन कर पाओगे। तो शिबेरियम को लेकर जो हमारा वेट था वो अभी खत्म हो चुका है, शिबेरियम को आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। इसी के साथ अगर हम प्राइसेस की बात करें, अभी मैं आपको जो स्टार्टिंग में बता रहा था कि शिबा इनू का प्राइस $1 तक पहुंच सकता है, ये किसने रिवील किया है, ChatGPT ने बताया है। यानी कि एक AI बोलना चाह रहा है कि $1 पर टोकन हो जाएगा आने वाले 5 सालों के अंदर। जैसे अगर हम करंट सप्लाई की बात करें 589 ट्रिलियन टोकन्स हैं, ऐसा मान लो कि लगभग 600 ट्रिलियन टोकन्स हैं। तो बहुत लोगों को ये सोचकर ये लगता होगा कि हाँ इतना तो हो ही नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि $600 ट्रिलियन की जो मार्केट है सिर्फ शिबा इनू की। जी हाँ, पॉसिबल है, आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर ये सब कुछ पॉसिबल है। चाहे हम शिबा को छोड़कर बाकी कॉइंस की बात करें तो वो पता नहीं कितने ही ज़्यादा ट्रिलियंस, क्वार्ट ट्रिलियंस में भी पहुँच जाएंगे। तो एक्चुअल में जो शिबा का गेन होने वाला है वो 125,000 गुना होने वाला है, इतना ज़्यादा होगा तभी जाके जो वैल्यू है शिबा की $1 तक पहुँचेगी। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, तो ऐसा कुछ टोकन्स में ऑलरेडी हुआ है। आज अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन 26,000 गुना वैल्यू गेन कर चुका है $1 जब ये था अप्रैल 2011 में। तो तब से लेकर आज अगर हम देखें लगभग 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा पहुँची है। तो धीरे धीरे पॉसिबल सब कुछ है, लेकिन एवरीथिंग हैपन्स विद टाइम, जैसे टाइम बीतेगा तो वैल्यू ऊपर जाएगी। आज हमें $1 नहीं चाहिए, 1 सेंट भी काफ़ी है, 1 सेंट भी बहुत सारे लोगों को मिलियनर बना सकता है। 1 सेंट की बात करो या फिर 1 रुपए की बात करो, 1 पैसे की बात करो तो भी बहुत अच्छी वैल्यू है। तो यही थे सारे अपडेट्स मेरी तरफ से, लेकिन शिबा का जो शॉर्ट रन में एक आपको एनालिसिस चाहिए वो आपको मैं दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, हमारा वॉफ्टेड ऑफिशियल, आप सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे मैं आपको अपडेट्स देने वाला हूँ। एंड अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।